नमस्कार, मैं हूं पहली चौहान और आप देख रहे हैं बोलिविया न्यूज। खबर शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है, अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अगर आप Facebook देख रहे हैं तो हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। खबर भाजपा नगर मंडल जुन्नारदेव की, जहाँ किसान संगोष्ठी व अहम बैठक हुई सम्पन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हाल ही में संसद के दोनों सदनों में कृषि सुधार विधायकों को पारित किया गया। इसी संबंध में भाजपा नगर मंडल राज्यों के तत्वाधान में ग्राम बिलावर में बैठक व किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अमरवाड़ा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नवनीत जैन ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसान भाई बहन इस प्रकार से कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे, इससे किसानों के आय दोगुनी करने के प्रयास को बल मिलेगा। बोल इंडिया न्यूज के लिए जुन्नारदेव से मोहम्मद मुजम्मिल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे दोनों सदनों में कृषि सुधार विधेयकों को पारित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और बिचौलियों के माध्यम से कभी भी इन्हें सही तरीके का मुनाफा प्राप्त नहीं होता। उसी तरीके से उनके जो भी समस्याएं थी उसका पूर्ण निराकरण कर, समाधान कर, एक ऐसी व्यवस्था लागू की गई जिससे हमारे किसान भाई अपनी आमदनी को दोगुना करेंगे और समृद्ध किसान बनेंगे, जिससे हमारे भारत देश का पूरे विश्व में नाम होगा। और हमारी जो व्यवस्था है और इस कृषि सुधार बिल में, वो इस तरीके से बनाई गई है कि जिसमें हमारा किसान अपने अनाज को पूरे देश भर में कहीं पर भी बेच सकेगा। MSP के माध्यम से उसमें सुधार किया गया है। इसी संबंध में आज भाजपा नगर मंडल जुन्नारदो के बिलावर कला ग्राम पंचायत में इस किसान संगोष्ठी की बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष माननीय विवेक बंटी साहू जी के नेतृत्व में बहुत ही किसानों को इस गंभीर इस विषय को विस्तार से समझाया गया और हमारे प्रभारी शेषराव जी यादव और प्रमुख वक्ता के रूप में नवीन जैन जी उपस्थित रहे।